हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो है CC6 का यानी कि कॉमन कोर 6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 इसमें कंप्लीट करवाने वाले हैं, जिसके पॉइंट्स हैं वैश्विक नागरिकता, इसके कुछ सामान्य विचार, बहुसंस्कृतिवाद है, ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, और विविधता, सहिष्णुता और जय जगत यानी कि आचार्य विनोबा भावे जी की जो बहुत ही प्रमुख विचार हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आप लोग को इस चैनल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही आप लोग को बहुत सारे सिलेबस कम्प्लीट करवा दिए गए हैं, ठीक है, और भी करवाया भी जाएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं, जैसे कि आप लोग को MCQ क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है। जो वैश्विक नागरिकता है, मतलब कि सबसे पहले तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वैश्विक नागरिकता होता क्या है, किसको कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि ये क्या है, किसे कहते हैं, तो कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप में करके इसमें लिखें फ्रेंड्स। तो देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अधिक जानने का तरीका है। जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा, तो उसे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानेंगे, या फिर एक राजनयिक बनने का एक तरीका, एक राजनयिक यानी कि कोई राजनीतिज्ञ वगैरह बनने का, और तीसरा, यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने, समझ बनाने और साझा करने का एक तरीका है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने, संबंध बनाने और साझा करने का एक तरीका है। तो वैश्विक नागरिकता समझ में आ गया सुनस। अब इसका जो है वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है, मतलब आज क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि समकालीन चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है। यह राष्ट्रवाद का मुकाबला करने का एक तरीका हो सकता है, यह प्रासंगिक नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है क नंबर, ठीक है, क्योंकि यह जो है सो समकालीन चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है। अभी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, वैश्विक नागरिकता होने का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि सारे लोग मिलकर कोई डिसाइड करेंगे कि जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो कोई एक देश जैसे कि है तो वो नहीं ना ठीक करने जाएगा, दूसरा देश नहीं जाएगा, तो जितने भी देश हैं वहाँ के कोई ना कोई एक एक नागरिकों को ले लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। तो किनको बुलाया जाएगा, जो उसके संगठन में शामिल हुए होंगे, ठीक है, महासभाओं में शामिल हुए होंगे, संगठनों में शामिल हुए होंगे, तो उनको बोला जाएगा, और वो जाकर अपने देशों में बोलेंगे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, अपने अपने देश में कंट्रोल करना है, इतना फीसदी ज़मीन पर मतलब लगाना है पेड़ पौधा, या फिर क्या जल प्रदूषण है तो जल प्रदूषण को ठीक करना है, मृदा प्रदूषण तो उसको ठीक करना है, किसी भी तरह के प्रदूषण वगैरह हो गया, या फिर जो जिससे मतलब कि अन्य देशों को भी हानि हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में सुन, तो वो सारे देश लोग चाहेंगे तभी ना ठीक होगा। अगर एक आदमी कितना भी चाहे वो प्रदूषण को तो ख़त्म नहीं कर पाएगा, जैसे कि कोई एक आदमी चाहे अपने घर में प्रदूषण को ख़त्म कर दिया, प्रदूषण जरा भी नहीं कर रहा, लेकिन उसके बगल वाला जो है सब पूरा प्रदूषण कर रहा है, तो फिर उसके घर में भी तो आएगा। इसलिए सबको यानी सारे देशों को एक साथ एकजुट होकर ये निर्णय लेना होता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक और ज़रूरी है। क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है, जो वैश्विक नागरिकता है क्या शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है बस? तो इसका आंसर है देखिए, हाँ, सभी देशों को उस मॉडल का पालन करना चाहिए, अभी तक नहीं, लेकिन एक मॉडल ये चर्चा हो रही है। नहीं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा हमेशा स्थानीय संदर्भों के अनुकूल होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या ये जो है सो वैश्विक नागरिकता क्या एक मॉडल बना हुआ है कि हाँ इसी तरह मतलब सब करना है, या फिर क्या करना है? तो तीन नंबर का ग स्टूडेंट सही हो जाएगा, यानी कि ग नंबर, नहीं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा हमेशा स्थानीय संदर्भों के अनुकूल होती है। ये वैश्विक नागरिकता होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा स्थानीय लेवल पर अनुकूल होता है, उसके अनुकूल, यानी कि अगर किसी स्थान में कोई दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए कुछ अलग उपाय किए जाएंगे, और किसी दूसरे देश के जगह के लिए अलग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक गांव में आग लगा है तो दूसरे देश में पानी देकर बुझाया जाएगा, ठीक है, जिस जगह आग लगा है वहीं पर पानी देकर बुझाया जाएगा उसको, तो वो वाला बात है सुनिश्चित में। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है?
सतत विकास यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, जैसे कि आज भी अगर पेट्रोल का यूज हम लोग कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी वालों को भी यूज करने के लिए रखने देना है हम लोग को, ठीक है, उसी को कहते हैं सतत विकास। यानी कि सोच समझ कर जहाँ जरूरत पड़े वहाँ सिर्फ लगाया जाए, यूज किया जाए, ठीक है, बर्बाद ना किया जाए, उसी को कहते हैं सतत विकास। तो क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित है? तो हाँ, वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर SDG 4 में इसे अपने लक्ष्यों में शामिल किया गया है। हाँ, लेकिन सीधे नहीं, कोई संबंध नहीं। तो ये जो वैश्विक नागरिकता संस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है क्या, गोल है सतत विकास का, या फिर क्या है? तो इसका फोर्थ नंबर का होगा क्वेश्चन का नंबर। हाँ, वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर SDG 4 में इसे अपने लक्ष्यों में शामिल किया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब पांचवा नंबर देखिए, क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा विशेष रूप से तृतीयक शिक्षा से संबंधित है? तृतीयक शिक्षा से संबंधित है क्या? तो हाँ, इसकी जटिलताओं के कारण इसे शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है। नहीं, यह विशेष रूप से शिक्षा के माध्यमिक स्तर से संबंधित है। तो पाँच का क्या होगा फ्रेंड्स? बी नंबर। तो इसे शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है। जो वैश्विक नागरिकता है ये शिक्षा के हर क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि सबको मानना चाहिए एक तरह से। तो और देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में 100 में 101% आएगा तो आएगा, ये किसी का हिम्मत नहीं कि रोक ले, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, पक्का है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर आएगा तो क्यों नहीं इसके बारे में डिटेल से पढ़ लें, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम बहुत ही बढ़िया से बनाए आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में, इनके जो जगत जय जगत का सिद्धांत है उनसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 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 सिर्फ जय जगत से ही नहीं आएंगे, उसके साथ जो दिए हैं ये सिद्धांत या विचार उनका उनसे रिलेटेड भी कुछ आ सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ना इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो जानते हैं आचार्य विनोबा भावे, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, इन्हीं के नाम पर मतलब पड़ा है। तो देखते हैं, विनोबा भावे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुदान आंदोलन के प्रणेता थे, जिनका मूल नाम विनायक नरहरी भावे था। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम के द्वारा पूछा जा सकता है, ठीक है, विनायक नरहरी था, नरहरी भावे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को रायगढ़ ब्रिटिश भारत में हुआ और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को पनवार वर्धा में हुई। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए, इनका चित्र भी यहाँ पर हम लगा दें, ठीक है, नोट्स प्राइवेट ग्रुप में डाल दिया गया पहले ही। इनका जन्म समय और स्थान 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गगोड़ा गांव में हुआ था। शिक्षा है महाराज सयाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय में हुआ है। फिर पुरस्कार इनको मिला भारत रत्न 1983 में और अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में। माता पिता का नाम था नरहरि शंभुराव और रुक्मणी देवी, ठीक है। प्रसिद्धि क्या है इनका? कारण है बहुदान आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा में योगदान, शिक्षा में योगदान यानी कि यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया, ठीक है। जातीय धर्म क्या था? ब्राह्मण हिंदू थे, यानी कि ब्राह्मण थे, ठीक है, जनरल कास्ट के। मृत्यु का स्थान और समय 15 नवंबर 1982 को पनवार वर्धा में इनका मृत्यु हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल से कुछ कुछ जानते हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरी भावे था और इनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विनायक नरहरी शंभुराव और माता जी का नाम रुक्मणी देवी थे। ये चार भाई बहन थे, इन जो थे चार भाई बहन थे जिनमें विनायक सबसे बड़े थे। इनकी माताजी धार्मिक चीज़ों से बहुत प्रभावित थी, इसीलिए इनको श्रीमद् भागवत गीता बचपन से ही पढ़ने का मौका मिला। ये ब्राह्मण के कुल थे से भी थे, तो इनको श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने का, गीता पढ़ने का बहुत ही मतलब मौका मिला और पढ़े भी, ठीक है। इन्होंने गांधी जी का एक भाषण सुनकर अपनी स्कूल और कॉलेज की सारी डिग्रियाँ फाड़ दी। क्या फ्रेंड्स? ये जो है सो गांधी जी का एक भाषण सुने कि देश को आज़ाद कराना है, इससे रिलेटेड, ठीक है, तो जितना भी डिग्री था फाड़ दी उसी दिन। और पत्रों के साथ गांधी जी से बातचीत की और अहमदाबाद के कोचराब आश्रम में 7 जून 1916 को गांधी जी और विनोबा भावे की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो पढ़ाई होता भी नहीं था ना फ्रेंड्स, यहाँ भारत में कंडीशन ख़राब कर दिया था अंग्रेज लोग इसीलिए। अब देखिए, इनका भूदान आंदोलन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, आ सकते हैं और आ जाएंगे भी। कहानी 1958 की है, जब तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने विनोबा भावे से अपने जीवन यापन के लिए 80 करोड़ भूमि देने का अनुरोध किया। तब देखिए क्या बात हो रहा है तेलंगाना में 1958 ईस्वी के बाद का बात हो रहा है। तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने
हरिजनों ने क्या किया, विनोबा भावे जी को अपने जीवन यापन के लिए 80 करोड़ भूमि देने का अनुरोध किया। तब आचार्य विनोबा भावे ने जमींदारों से आगे आकर गरीबों को भूमि दान करने के लिए कहा, इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, देखिए दर्शन से क्या हुआ, विनोबा भावे जो है सो जाकर प्रार्थना करते हैं किन से, जमींदारों से, कि यहाँ के गरीब लोगों को दे दीजिए 80 एकड़ भूमि, ये रहेंगे। तो इसी को क्या कहा गया, भूदान आंदोलन, भूमि का दान वाला आंदोलन। ठीक है, इसी से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। भूदान का अर्थ भूमि को उपहार में दे देना होता है। उन्होंने इस आंदोलन से 44 लाख एकड़ भूमि दान में ली और उससे लगभग 13 लाख गरीबों की मदद की। इस भूदान आंदोलन से उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये जब किए हो तो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिए। ठीक है, इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में इन्होंने सभी से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उनका साथ छोड़ने का आह्वान किया। इन्होंने गांधी जी ने 1940 में पहले सत्याग्रही के रूप में भी चुना गया। इसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1930 से लेकर 40 में कई बार जेल जाना पड़ा। जो विनोबा भावे थे सेंट से, इनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ेगा। अब आ गए हैं पॉइंट पर, यानी जय जगत के विचार ये क्या है। ठीक है, अभी तक आप लोग को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा कि ये जय जगत है तो है क्या और इसमें हुआ क्या। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। वर्ष भर में अनेक तिथियां वर्तमान बनकर आती हैं और भूतकाल बनकर चली जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी भी होती हैं जो युगों युगों के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। 11 सितंबर दुनिया के लिए एक ऐसी ही तारीख है। आज ही के दिन 4 बड़ी घटनाएँ हुई थी। पहली घटना 146 साल पहले वर्ष 1893 में हुई थी, जब अमेरिका के शिकागो में महान युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद ने अपने समय के ऐतिहासिक विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मानवता से भरा युगानुकूल भाषण दिया था। 11 सितंबर को ही जो थे शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद भाषण दिए थे बढ़िया वाला। ठीक है, भारतीय दर्शन तथा धर्म की स्वाभाविक सोच ने सारे विश्व को सभी धर्मों की आत्मा आध्यात्म की उच्चतम अवस्था ज्ञान का ज्ञान कराया था। दूसरी घटना क्या हुआ 11 सितंबर 1895 को, कि धरती को जय जगत का संदेश देने वाले युग पुरुष संत विनोबा भावे का जन्म हुआ था 11 सितंबर को ही। ठीक है, इस महापुरुष ने भूदान डाकुओं की आत्मसमर्पण तथा जय जगत के विचारों द्वारा वैश्विक समस्याओं के अहिंसक तरीके से समाधान निकालने के जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए थे। तीसरी घटना क्या हुआ, 11 सितंबर 1906 को युग पुरुष महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने अहिंसा आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया था। आगे चलकर दुनिया ने कहा कि हमने एक मोहन के चक्रधारी के विराट रूप में तथा दूसरे मोहन को चरखाधारी के रूप में दर्शन किए हैं। सत्याग्रह के इस सफल प्रयोग ने कुछ वर्षों पश्चात भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई थी। भारत की आज़ादी के बाद सत्याग्रह की गांधी ने में 54 देशों ने अंग्रेजी शासन को अपने अपने देश से उखाड़ फेंका। तो ये आप लोगों को सुनना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, MCQ बना देंगे लेकिन टाइम भी लगता है और आप लोग समझ भी नहीं पाते बढ़िया से। ठीक है, लेकिन ये जो है सो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। भारत के 3 महान सन्यासियों ने भारतीय धरती पर विश्व शांति के दूत के रूप में जन्म लेकर दुनिया को सहनशीलता, सत्याग्रहता, जय जगत का यूनिवर्सल लेसन पढ़ाया था। हम कुछ जय जगत मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। जय जय यानी कि किसी के जय होने की, यानी विजय होने की बात हो रही, और जगत यानी कि दुनिया। ठीक है, हम कुछ ही वर्षों में त्याग तथा बलिदान की स्याही से लिखे गए उस यूनिवर्सल लेसन को भूल गए। इंसान की विश्व के महान धर्मों को अलग अलग समझने की अज्ञानता के कारण धरती अनेक बार खून से लाल हो चुकी है। 20वीं सदी मानव सभ्यता के इतिहास में संकुचित राष्ट्रीयता के कारण सबसे बड़ी खूनी सदी रही। इस सदी में 2 विश्व युद्ध तथा 2 देशों के बीच युद्ध लड़े गए। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हमें अपनी राष्ट्रीय तथा वैश्विक लोकतांत्रिक संस्थाओं को 21वीं सदी चुनौतियों के अनुकूल बनाना होगा। मानव जाति खुले दिमाग से इस सार्वभौमिक सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ईश्वर एक है, धर्म एक है तथा मानव जाति एक, यही बोले थे जय जगत में। जो खुद पर काबू पा लेता है वो दुनिया पर काबू पा सकता है, ये भी बोले थे वही। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने जय जगत का यूनिवर्सल स्लोगन मानव जाति को दिया था, जिसका लक्ष्य भिन्न भिन्न संस्कृतियों या क्षेत्रों से होते हुए भी एक मानवता के बंधन द्वारा संपूर्ण जगत को एक बनाना है। यानी कि एक स्लोगन है, जिस तरह से नहीं है भारत छोड़ नहीं बहुत सारा है ना, जैसे वंदे मातरम को स्लोगन दिए हैं, बोले हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और कुछ कुछ स्लोगन है। उसी तरह से जय जगत का भी एक स्लोगन है जो विनोबा भावे दिए हैं, और क्यों दिए हैं, संपूर्ण जगत को एक बनाने के लिए तथा विश्व एकता की भावना का प्रसार करने के लिए। विनोबा भावे सही मायने में महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। स्वामी विवेकानंद की सहनशीलता तथा सर्वधर्म संभाव के विचार को गांधी जी तथा विनोबा भावे जी ने आगे बढ़ाया। आचार्य विनोबा भावे ने यही संकल्प लिया था कि वह पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। जो विनोबा भावे थे वो
मतलब कि पूरे संकल्प लिए थे कि पूरा भारत में घूमना है, ठीक है, नगर नगर ग्राम ग्राम जाएंगे, दान में भूदान लेंगे ताकि ज़मीन का वितरण उन भूमिहीन किसानों में किया जा सके जिनके पास ज़मीन का अभाव है और जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए महाराष्ट्र में जन्मा या दुबला पदा संत लोक मंगल की कामना से सारे भारत में घूमा, गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास तक, खेती के लिए जमीन की व्यवस्था कराई। कौन कराए? यही कराए, ठीक है, विनोबा भावे जी। जय जगत यात्रा का शुभारंभ के बारे में देखिए, डॉक्टर एस एन सुब्बा राव एक ऐसे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने जय जगत के विचार को अपने जीवन में पूर्णता से अपनाया। डॉक्टर सुब्बा राव का सारा जीवन खास तौर पर नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति, सर्वोत्तम संभाव और सामाजिक उत्तरदायित्वों से जोड़ने में लंबे समय से निरंतर संलग्न है। डॉक्टर सुब्बा राव बताते हैं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ साथ अलग अलग भागों में डाकुओं में युवा चेतना शिविर लगाकर बदलाव कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। एकता फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक राजगोपाल पी वी नेतृत्व में इतना मतलब सारा किया, ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे कल अगले कदम के रूप में जय जगत यात्रा 2020 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सर्वविदित मतलब ये अभी वर्तमान में भी इसके बारे में मतलब चल रहा है बात, ठीक है, अभी भी जय जगत का ही बात चल रहा है। देखिए और क्या है, कुल 14 देशों से होते हुए और लगभग 10,000 किलोमीटर यात्रा करते हुए साल भर बाद ये यात्रा जिनेवा पहुंचेगी। गांधी यानी कि ये जो विचार कहाँ कहाँ पहुंचेगी ये जय जगत का, उसके बारे में लिखा हुआ है। अभी वर्तमान में भी ये जय जगत का सिद्धांत जारी है, विचार या फिर स्लोगन जो भी बोल लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जितना कुछ बताएं हैं उससे 1% ही हो सकता है कि बाहर से आ जाए, ठीक है, बाकी 99% आपका इसी वीडियो से रहेगा, इस चैप्टर से, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से वीडियो देखिए, एक बार नहीं समझ में आता चार बार देखिए, पांच बार देखिए, देखते रहिए, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपको आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए, वहाँ टेस्ट वगैरह सारा चल रहा है, ठीक है। और मेजर पेपर के लिए भी है, कॉमन कोर्सेज के लिए भी, हिंदी इंग्लिश सारे मीडियम्स में हैं अवेलेबल, ठीक है। और MCQs और सब्जेक्टिव सारा टाइप का क्वेश्चन आंसर सारा है, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, जरूर से ज्वाइन कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अपडेट के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।